दशरथ सुनीता नमस्कार साथियों, हमारी टीम आज कंपियर दल में पहुंच चुकी है। हमारे सामने निसार पार्टी के जुझारू प्रत्याशी दशरथ निसार जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम और परिचय? जी सर, मैं दशरथ निसार चेयरमैन प्रत्याशी कंपियरगंज से हूँ। चेयरमैन प्रत्याशी निसार के और हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दाओं को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी मुद्दा है सर्वप्रथम हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो खराब है, इसको हम सर्वप्रथम दुरुस्त कराएंगे और बच्चों के लिए अच्छा सुविधा दिया जाएगा। और इसके बाद बच्चों को हम ट्यूशन की सुविधा देंगे अपने तरफ से, ये सुविधा दी जाएगी। और इसके बाद जो है बिजली पानी नाली और ये रोड का जो मामला, इसको सब दुरुस्त किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे यहाँ के जनता को नहीं होने का। अगर आप नगर अध्यक्ष बन जाते हैं जी सर, तो सबसे पहले विकास में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम शिक्षा पर जोर देंगे। हमारे यहाँ शिक्षा अच्छा हो, मजबूत हो, जो हमारे पिछड़े समाज के लोग शिक्षा की वजह से ये जो है बड़े वर्ग के लोगों के लिए जो शिकार बने जा रहे हैं, जिस पे राजनीति की जा रही है, हम लोग को जो है मूर्ख बनाया जा रहा है, इस पे हम सर्वप्रथम बनाएंगे अपना वो कि अच्छा से अच्छा शिक्षा यहाँ हो सके। प्रदेश सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है, कंपियर दल में भी भरपूर विकास हुआ है जी, क्या सही है? सर सही तो मान के चले विकास हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। दिखाते हैं कि हम आपकी बार बहुत अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे। अभी उनके गांव में जाइए, देखिए कितने मकान ध्वस्त पड़े हैं, जो कि पल्ली डाल लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं गरीबों ने। और वो सर और जो नाली का व्यवस्था नहीं वहाँ है, पानी भर जाता है, जो कि पानी में घुस के लोग आते जाते हैं। आप यहाँ कितने सामुदायिक शौचालय हैं? हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय दो बना है। दोनों चालू है? चालू है। जनता से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से अपील करेंगे कि हमें अधिक से अधिक वोटों से हमें विजयी बनाएं और हम अधिक से अधिक कार्य योजना को अपने यहाँ ले आकर के और उसके बाद सबके विकास के लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। मेरा नाम राजकिशोर निषाद है। बहुत से सभी जातियों के गरीब जिनका आज तक कोई आविष्कार नहीं हुआ, जिसका कोई भलाई नहीं हुआ, जिसका कोई हक अधिकार नहीं मिला, उसी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी भी मैं यहाँ पर दौलत किया हूँ, रेलवे के किनारे जो है करीब सैकड़ों मुसलमान ऐसे गरीब आदमी है, उनके पास रहने की जमीन है, पल्ली का घर है, उनके बसने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको हम लोग जो है चुनाव के बाद उसकी व्यवस्था करेंगे सरकार से पूरा। और यहाँ पर पत्थरकारी लोग हैं बेचारे, उनको रहने की जमीन नहीं है, खाने की व्यवस्था है, रोड के किनारे सरकार को आवास हर मतलब पंचायत में दे रही है। अरे महाराज, मैंने देखा हूँ अपने आँख से, मकान उसके पास रहने की जमीन नहीं, कहाँ से मकान बनेगा? योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, उसके पास रहने की जमीन नहीं है, कहाँ से मकान बनेगा? संजय यादव, क्या बिल्कुल काम कराएंगे सर, अभी भी काम कराते हैं। ग्राम पंचायत में आता था उसके पहले जो है बहुत लोग क्या है, मान लीजिए ब्लॉक प्रमुख हुए या 10 साल 15 साल से प्रधान हुए, कोई विकास उनके गांव में जाने पे दिखता है नहीं। अच्छा, आप क्या उम्मीद है इनसे? अगर ये पूरा सहानी पार्टी है, हम कोई नहीं है, कोई भी हमारे नहीं है, जो बहुत बड़ी थाली को भी जा रहा है, तरफाने को ही जा रहा है। आप हमारे मुसलमान भाइयों से पूछ लीजिए, दलित भाइयों से पूछ लीजिए, यादव भाइयों से, सब जान रहे हैं जो बीजेपी को हराएगा वही वोट पाएगा। पूरा निषाद समाज आप लोगों के साथ है? जी गौरीपुर में माननीय फतेह बहादुर जी विधायक जी गए थे जी। तो देखे निषाद पार्टी का झंडा था और पोस्टर था, तो यहाँ पे कुछ लोगों से कहा पोस्टर फाड़ दिया जाए और झंडा उठा दिया जाए, फेंकवा दिया जाए, तो जाकर के उस ग्राम सभा में पोस्टर फड़वा रहे थे, फेंकवा रहे थे, तो वहाँ की जनता आक्रोश में आकर के फिर वहाँ पूछने लगा किसको वोट दिया जाएगा, तो कहा अब भाजपा को नहीं, पहले तो देने वाले थे भाजपा को, अब उसके बाद अब कह रहे हैं अब भोजन खाली लोग को वही देंगे हम वोट, अब भाजपा को नहीं देंगे। विधायक जी का सीट नहीं था ये, तो मान लीजिए गरीबों के लिए ये सीट था, पिछड़ियों के लिए उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, उनको प्रचार नहीं करना चाहिए था। कल्लू नाम है, निकल जाएगी दशरथ निषाद की आशा किया जा रहा है कि उसकी निकल जाएगी। घर का लड़का है, जब किसी का व्यवस्था देख रहा नहीं हो पा रहा है तब वो अठड़ा हुआ है जी,
तो उसको रहने नहीं देना चाहते हैं जी।